बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको 19, 20, 21 सभी जितने भी पेपर्स कंप्लीट हुए उसमें मैथ्स के सेक्शन का कॉमन पेपर और कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। जूनियर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन कल लगा हुआ है शेड्यूल, आप नोटिफाई कर सकते हैं, जहां पर आपको मैं कंप्लीट जूनियर का सेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर हम कंप्लीट एनालिसिस भी कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे सभी प्रश्नों को, प्रश्न की नेचर भी समझ में आ जाएंगे और भी सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। कॉमन पेपर मैंने 9-10 का भी कंप्लीट करा दिया था, पीआरटी का तो पूरा सत्र ही कंप्लीट कर दिया था, जूनियर का भी कॉमन पेपर मैंने कंप्लीट कराया था। 22 जुलाई 2024 को जो कि आपका पीएचडी जो सेक्शन था अर्थात 11 से 12 वाला पार्ट था, उसके कॉमन पेपर को भी हम नहीं कराए थे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका भी सोल्यूशन आपको दें, जिससे कि आप आने वाली परीक्षाओं में प्रश्नों के पूछे जाने की नियति नेचर ट्रेंड को समझें और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन प्लान करें। तो सभी लोग यहाँ पर एक एक प्रश्न की एनालिसिस अच्छे से देखिए, कन्फर्म करिए कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है, क्या इसका सिस्टम होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, निम्नलिखित में कौन सा यक्स प्लस वन अपान यक्स का होल स्क्वायर का मान है। इसमें थोड़ा सा डाउट आपको देखने से लग रहा होगा, हो सकता है आपके दिमाग में भी आ रहा हो, यक्स प्लस वन अपान यक्स का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से भी हमारे दिमाग में आ सकता है। देखने में जो रिटर्न स्टेटमेंट है उसको लेकर के थोड़ा सा डाउट है, आप भी इस चीज को मान सकते हैं। दोनों के हिसाब से हम सोचते हैं, जैसे यहां पर हम x प्लस वन को अलग कर ले रहे हैं, x को अलग करके ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं, तो कुल मिला के आप इसका प्रेजेंटेशन जानते हैं। अगर इसको हम लिखें तो x प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, नीचे x स्क्वायर होगा। या हम लोग ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसको कि अगर आप चाहें तो ऐसे देखिए, अभी इसी ब्रेकेट के अंदर रहिए, x अपान x कर दें प्लस वन अपान x कर दें, होल स्क्वायर होगा, मतलब ये कैंसिल होकर वन प्लस वन अपान x का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। That means it can be also written as, अगर इसको लिखना चाहें आप, x plus 1 अगर हम मल्टीप्लाई करें अपान x का होल स्क्वायर जो वहां पर लिखा हुआ था ऑलरेडी, दैट मीन्स हम x plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। दूसरा देखिएगा जो आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, इस फॉर्म में अगर हम सोच रहे हैं, इट बिकम x स्क्वायर प्लस 1 अपान x स्क्वायर प्लस 2 होता है, क्योंकि 2ab के फॉर्म में लिखा जाता है। या हम सोचें, इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे कि x स्क्वायर प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अगर हम और एक एक्सपेंशन सोच रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर होगा और नीचे एक्स स्क्वायर होगा। अब मैच कराइए कौन सही है। जैसे पहला ऑप्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर आप देख रहे हैं तो उसी हिसाब से इसको लिखा गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वैल्यू तो आपकी वन होनी चाहिए जो किसी भी हालत में मैच नहीं करेगी, तो पहला तो सही नहीं है। दूसरा जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स भी समझ में आ रहा है, जैसे देखने से देखिए ये भी लग रहा है एक्स स्क्वायर भी लिख रहा है, या हम लोग को ऐसे देखिए समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपली मैं जो रियलाइज कर पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर है, ये तो किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि अगर इसको ओपन करते तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर होगा, जो कट करके वन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर बनेगा, जो किसी भी हालत में दोनों से मैच नहीं करेगा। अब ले देकर सी बचता है, तो सी का मान देखिए क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर है। अब आप सोचिए, ना तो इससे मैच करा क्योंकि होल स्क्वायर है, ना तो इससे मैच कर रहा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है, अगर यहाँ पर भी होल स्क्वायर होता तो इससे मैच कर जाता, इसलिए इसमें से कोई ऑप्शन हमको मैच नहीं होता दिख रहा है। ई ऑप्शन के साथ मैं जाऊँगा, अगर कोई अपडेट आपको समझ में आ रहा हो या आपको लग रहा हो कि प्रश्न ऐसे नहीं ऐसे लिखा गया तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं जितना समझ पा रहा हूँ उसके साथ मैं ई ऑप्शन के साथ इस प्रश्न को लेकर जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पर आइए, एक लेख है मतलब रिटर्न स्टेटमेंट है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, से 10% अधिक पर है, मतलब जितना भी उसकी प्राइजिंग सेट की गई है, कॉस्ट प्राइज अर्थात लागत मूल्य से 10% ज़्यादा बढ़ा के रखी गई है, यदि 10% की छूट की अनुमति है, मतलब 10% उस पर छूट भी दी जा सकती है, निम्नलिखित में कौन सा सही है, ना लाभ ना हानि, 1% की हानि 1% का लाभ। तो जब कभी किसी वस्तु के दाम को, जैसे हम लोग ऐसे सोचे डिसाइड करें, सबसे पहले वस्तु खरीदी जाती है, दाम उसका बढ़ा के प्रिंट किया जाता है, छूट देकर बेचा जाता है, तो आप देखो कि यहाँ पर कोई वस्तु है जिसके दाम को 10% बढ़ाकर अंकित किया गया है, फिर उस पर हमें 10% का डिस्काउंट देकर के 10% की छूट देकर के वस्तु को बेचा गया है। ऐसी कंडीशन सतत वृद्धि कमी पर आधारित होती है। जैसे आप कभी भी सेम समझिए कि अगर जितनी वृद्धि है अगर उतने ही परसेंट का छूट भी है तो निश्चित तौर पर कभी भी लाभ नहीं होगा, हमेशा यहाँ पर हानि होगी, और हानि का जो परसेंटेज होता है उस संख्या का वर्ग बटे 100 होता है, मतलब निश्चित तौर पर 1% की हानि होगी। 1% की हानि यहाँ पर डिसाइडेड है जो बी ऑप्शन में है, लेकिन अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो देखिए ध्यान से, 10% बढ़ा है, 10% मतलब 1/10 है, और 10% की छूट अनुमानित है अनुमति है, तो हम लिख सकते हैं 10 से 1 बढ़कर 11 वृद्धि के लिए, और 10 में से 1 घट करके 9 कमी के लिए, तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि 100 से 99 हो रहा है तो 100 में जितनी कमी होती उतना ही प्रतिशत की कमी मानी जाती है, 1 की कमी है,
एक गुड़े सौ बटे आप सौ लिख सकते, एक गुड़े आप जो है सौ बटे सौ लिखेंगे तो कन्फर्म हो गया कि 1% की हानि है, 1% का नुकसान है। बी ऑप्शन पहले से डिसाइडेड था, इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अगले प्रश्न पर आइए। पूर्ण घन, पूर्ण घन मतलब परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब। जैसे आप परफेक्ट क्यूब किसको मानते हैं, एक को मानते हैं, आठ को मानते हैं क्योंकि दो का घन होता है, 27 को मानते हैं तीन का घन होता है, 64 को मानते हैं चार का घन होता है। अगर आप पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 पहली चीज पूर्ण घन नहीं है को किस संख्या से भाग दिया जाए। 81 है, 81 को अगर मैं 7 से भाग करूंगा तो पहली चीज डिसाइडेड ही या डिवाइडेड ही नहीं होगा। 81 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा थोड़ा बहुत जाएगा, 3 × 2 = 6 = 3 = 27, ये भी पूर्ण घन नहीं है। हाँ, 81 को अगर मैं 3 से भाग करूंगा तो 3 से डिवाइड करिए 27 बार और 27 होता है 3 का क्यूब। इसका मतलब 27 एक पूर्ण घन है और इसको प्राप्त करने के लिए 81 को आपको 3 से भाग करना होगा। तो राइट सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसका राइट सोल्यूशन 3 है जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगले प्रश्न पर आइए। दो पूर्ण संख्याओं के बीच का जो अंतर है 66 है, दो नंबर है आपके पास उनके बीच का डिफरेंस 66 दिया है। दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:5 है, 2:5 दोनों संख्याओं का अंतर है, उनके बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याएं क्या है। ऐसी केस में अगर जैसे दो संख्याएं हमको दी है, उनका जो रेशियो है 2:5 है और उनके बीच का अंतर आपको 66 दिया है, 66 आप देख पा रहे हैं वहां पर 66 है, तो ऐसी केस में अनुपातिक अंतर कर दीजिए। अनुपातिक अंतर 3 हो गया, 3 की तुलना उस कंप्लीट रियल आंसर से, रियल डिफरेंस से करिए 66 से, तो 3 का मान 66 है तो 1 का मान 22 होगा। और आपसे क्या बोला है, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं अर्थात 2 का मान क्या होगा बताइए, 2 = 44 होगा। 5 का मान बताइए क्या होगा, 22 × 5 = 110 होगा, अर्थात 44 और 110 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जैसे आपसे दोनों संख्याएं यहां पर ऑप्शन में देखिए तो 110 और 44, अब यहां पर कहा तो नहीं है ना पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर देखिए हम लोग इसमें कंफ्यूज है थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे पहली और दूसरी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या पूछा है, दोनों संख्याएं भाई निश्चित तौर पर जैसे इसमें जो लिखा है क्रम के हिसाब से देखें तो पहले 44 होना चाहिए था, दूसरा आपका क्या होना चाहिए था, 110 होना चाहिए था। अब इसमें से देखिए कुछ मन में डाउट ये आ रहा होगा कि हम इसका उत्तर ई लगाएं, लेकिन ई लगाने पर गलत होगा। दरअसल ऐसा कोई सिक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अंतर का मतलब अंतर बड़े से छोटा घटे, छोटे से बड़ा घटे, मैं इसमें ए के ही साथ जाऊंगा, ए ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन इसका मैं मानूंगा, 110 और 44। हालांकि आपके दिमाग में आ सकता है कि दो तो कनेक्ट करता है 44, तो पहला 2 होना चाहिए, लेकिन यहां बोला नहीं कि छोटी संख्या बड़ी संख्या, यहां बोला नहीं कि पहली संख्या दूसरी संख्या, इसने कहा दोनों संख्या, तो दोनों संख्या भाई क्रम भले बदल दो, संख्या तो वही है ना, दोनों संख्याएं हैं, अनुपात उनका देखा जाए तो 44 और अगर 110 और 44 है तो निश्चित तौर पर देखो यहां पर इस सिक्वेंस को नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन दोनों संख्याएं 110 144 और हो सकती हैं, तो इस ऑप्शन को ले सकते हैं हम लोग। डाउट थोड़ा सा इस बात का भी रहेगा कि भाई यहां पर सिक्वेंस अगर डिसाइडेड कहता कि पहली और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या है, तो उस सिक्वेंस उस कंडीशन में तो हम सिक्वेंसिंग को फॉलो करते, नहीं तो आप जा सकते हैं इसमें पहले ऑप्शन के साथ। दोनों संख्याएं पूछा है, दोनों संख्याओं का अनुपात जैसे इतना और इतना बोला है तो 44 और 110 भी तो बोल सकते हैं, 2:5 है, उस हिसाब से डिफरेंस आपको 66 दिया है और 66 दिया तो दोनों संख्याएं आपकी 110 और 44 हो सकती हैं। थोड़ा बहुत डाउट देखो इसको लेकर होता है कि आपके मन में क्या आता है आप बताइए, आप किसके साथ जाना चाहेंगे भी बताइए। तो मैं तो फिलहाल अभी आपको कह रहा हूं कि आप इसके साथ जा सकते हैं क्योंकि सिक्वेंसिंग नहीं है, लेकिन हो सकता है कि यहां पर कंसीडर कुछ और भी किया जाए, ठीक है, ये डाउट का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आइए। एक समांतर चतुर्भुज है, देखिए समांतर चतुर्भुज बना देते हैं हम लोग, ऐसे बना दिया। समांतर चतुर्भुज के बारे में छोटी छोटी बातें जो होती हैं वही इस प्रश्न का सलूशन देंगी। यहां पर हमको कहा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ए और बी का अनुपात, यहाँ कोण ए है यहाँ कोण बी है, अनुपात 1:2 है। जैसे हमको दिया है कि एंगल ए और रेशियो एंगल बी इजिक्वल टू कितना दिया है, 1:2 दिया है। कोण ए हमसे पूछ रहा है कि कोण ए का मान बता दे कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी समांतर चतुर्भुज होता है तो समांतर चतुर्भुज में जो साइड्स हैं मतलब कोण है, एंगल अगर आपके साथ में एक ही भुजा पर है तो निश्चित तौर पर देखिए ये लाइंस तो पैरेलल होती हैं और एक रेखा ऐसे इसको क्या कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस हिसाब से जो पैरेललिज्म का जो कॉन्सेप्ट होता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उस हिसाब से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अगर हम इनको भी सोचे तो ये भी तो पैरेलल रेखा है और ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों कोण को इंटीरियर होते अंतः कोण और इनका जोड़ हमेशा 180° होता है, अर्थात एक ही रेखा पर समांतर चतुर्भुज में बने कोणों का जोड़ 180° होता है, विपरीत कोण बराबर होते हैं, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अगर इन दोनों कोणों अर्थात ए और बी का जोड़ हमको 180 पता है और इनका रेशियो हमको 1:2 पता है, एक और दो का जोड़ अनुपातिक कर दे 3 की तुलना 180 से करें, 1 = 60 हो गया। अगर 1 = 60 है तो 2 = 120 होगा, तो मतलब दोनों कोण, अब जैसे इसमें पूछा है कोण ए तो हम यहाँ लिखेंगे
कोड ए का मान कनेक्ट कर रहा है किससे, इस रेशियो वाले पार्ट से, अर्थात एक का मान 60 है, ऑप्शन नंबर हम लोग ए के साथ जाएंगे। ए ऑप्शन 60 इसका राइट सोल्यूशन बनकर आएगा, करेक्ट है। तो चलिए इसको नोट किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और कुल सतह का क्षेत्रफल 968.60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन देखिए ऐसे होता है, हम सबको कन्फर्म है ये बेलन है। बेलन का बेस सर्कुलर होता है, सेंटर होता है, उसकी अपनी रेडियस है, रेडियस हमको पता है 7 है। इसकी हाइट जैसे h मानिए, टोटल सरफेस एरिया की बात किया है, टोटल सरफेस एरिया मतलब दोनों आधार अर्थात दोनों सर्कल और सरफेस, कुल मिला के अगर हम 2SA की बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr h + r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमको रेडियस पता है, हमको टोटल सरफेस एरिया पता है 968, और हम लिख देते हैं 2π की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 7, h नहीं पता, h ही फाइंड करना है, 7 लिख देते हैं, 7 से कैंसिल हुआ, और जो पॉसिबल कैंसिलेशन है उनको परफॉर्म करिए, जैसे 11 × 2 = 22, 11 × 9 = 88, 88 और आप सोचो तो 8, 11 × 8 = 88 हो जाएगा फिर से, क्योंकि 88 8 96 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 4 से डिवाइड करें 22, 22 × 88 होता है। तो ये हो गया h + 7 बराबर आपका 22 है, क्योंकि h + 7 अगर 22 है तो h = कितना होगा, 15 हो जाएगा, हाइट इसकी 15 हो गई, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है करेक्ट सोल्यूशन है 15, अगर आप लगाए तो एकदम परफेक्टली आपने सही सोल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। जैसे देखिए इंडिसेस का क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है -3 की पावर कितना है m+1, ठीक है, इंटू -3 फिर से है, ध्यान से देखिएगा, कंफर्म करिएगा, -3 फिर से है और इसकी पावर 5 है, = -3 की पावर 7 है, तो m का मान हमसे पूछा है। आप सबको पता है अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं इन मल्टीप्लीकेशन, और पावर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, इन डिवीजन, पावर घट जाते हैं इन डिवीजन। तो अब आप देखो इसको कैसे करेंगे, भाई बेस तो सबका सेम दिख रहा है, तो -3 की पावर मैं लिखूंगा m+5, ये 5 था, यहां पर 5 लिखिए, तो 5 ही लिखिए इसको, बराबर -3 की पावर कितना है 7 है, करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको लिखिए -3 की पावर 5 × 6 6+m लिख दीजिए, और यहां पर -3 की पावर कितना करेंगे 7, और बेसिस अगर इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल कर दिया जाता है, तो मैं लिखूंगा 6+m = 7, m = 7 से 6 निकाले 1, इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1 आप नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट हल है, आप प्लीज इसको उतार लें, कंफर्म कर लें। लास्ट क्वेश्चन है, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन इसका है इसके, हाँ बिल्कुल, देखिए क्या है, एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो उसको हम प्रोपोर्शनल कैसे प्रेजेंट करते हैं, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि जैसे आप सोचो कि कोई एक चीज बढ़ रही है तो अगली उसके रिस्पेक्ट में घटे, और अगर घट रही है तो उसके रिस्पेक्ट में अगला बढ़े, जैसे आप प्रेशर बढ़ाते हो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर टेम्परेचर घटाते हो तो प्रेशर बढ़ता है, इसी हिसाब से ना, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है और टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रेशर घटता है, ये आपका मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है, जैसे हम कहते हैं कि वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, घटता है, और वॉल्यूम जब घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, तो उसी टाइप से है ये। यहां पर हम इसको प्रेजेंट क्या कर सकते हैं कि एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, तो आप इसको xy = कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, xy होगा, जैसे ऑप्शन में x/y दिया है y अपन नहीं, xy = स्थिरांक होगा, अर्थात b ऑप्शन पर अगर आप जा रहे हैं तो आप सही आंसर पर जा रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन इसका कितना होगा देख लीजिए आप सभी लोग, xy = स्थिरांक होगा, क्योंकि इसी टाइप से इसको प्रेजेंट किया जाएगा। अभी पूरे प्रश्न कन्फर्म हो गए, इसके PDF और नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जो मैथ्स का है उसमें जुड़े रहें, जिससे कि जितनी भी कनेक्टिविटी मैथ्स की हो उसको हम आपको प्रोवाइड करते रहें और हर कनेक्टिविटी में आपको शामिल करते रहें। आशा करता हूँ प्रश्नों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जहाँ पे भी आपको डाउट हो या आपको प्रश्न में आपको भ्रम लग रहा हो आप जरूर अपडेट करिएगा, उस हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।